बर अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों और मेरे हम जुबान जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी रह रहे हो ये मेरा टॉपिक इंडियन आर एस एस के ऊपर है ये याद रखिएगा कि जब भी मैं बात करूँगा अगर किसी को टेररिस्ट या क्रिमिनल कहूँगा तो मैं पूरे इंडिया को या तमाम हिंदूज़ को मैं टेररिस्ट नहीं कह रहा मैं सिर्फ एक पार्टिकुलर एक ग्रुप की बात करता हूँ दैट इज़ आर एस एस जो कि 1925 के अंदर क्रिएट की गई थी इनका बिलीव है हिंदुत्व तो का कि हमने इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू को ही रहने देना है बकाया कोई भी किसी किस्म का जो रिलीजन है चाहे क्रिश्चियनिटी हो मुस्लिम हो मत हो कोई भी रिलीजन है उसको नहीं रहने देना क्यूं? कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का है और किसी का और नहीं है और वो हिंदू की जो पावर है वो वो सबसे ज़्यादा है यानी कि एक एक रिलीजन की ये तक़रीबन हर रिलीजन के अंदर है मैं ए, ए, पार्टिकुलर हिंदू रिलीजन की बात नहीं कर रहा हर रिलीजन के अंदर कोई ना कोई इस किस्म का फनेटिक ग्रुप क्रिएट हो जाता है और वही फनेटिक जो क्रिमिनलिटी पे उतरता है क्रुएलिटी पे उतरता है वो इंसानियत को हदे पार कर जाता है हालांकि किसी भी रिलीजन के अंदर कोई भी किसी किस्म का चाहे हिंदुज़्म हो कोई भी हो कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप जनाब किसी के ऊपर जुल्म करें या किसी को कत्ल करें मैं मैं डार हूँ और तमाम लोग जानते हैं कि जो डार हैं कश्मीर के अंदर वो क्या थे ही वर्ड थे पंडित यानी कि आप इमेजिन कर लें कि पंडित कौन होता है तो ये जो चीज़ें हैं इस चीज़ को आप देखते यही कि हमसे ज़्यादा और कौन इस चीज़ के ऊपर ज्यादा जान सकता है मैंने ऊपर लिखा है कि मेरी एक रिसर्च है स्टडी है तमाम ऑलमोस्ट तमाम मैं हंड्रेड परसेंट नहीं कह रहा तकरीबन मेरे मजोरिटी ऑफ द रिलीजन की मेरी स्टडी है जो मेन मेन है और किसी भी रिलीजन के अंदर ये नहीं है कि जनाब आप इंसानियत की तोहन करो इंसानियत के रूप जुल्म करो यह सिर्फ सिर्फ एक पार्टिकुलर होता है अब मैं आता हूं आर मेन जो मेरा सब्जेक्ट है उसके ऊपर आर इस वक्त दुनिया के अंदर टॉप पे जा रही है वजह क्या है कि आए दिन इंडिया के अंदर मुसलमानों का क्रिश्चियन का दूसरे मज़हब का कत्ल किया जा रहा है इवन यहाँ तक है कि कुछ लोग जो कन्वर्ट हुए हिंदुइज्म में डर के या जैसे भी है उनके कपड़े तोड़ाए जाते हैं उनका देखा जाता है सकम साइज हुआ हुआ है कि नहीं हुआ अगर साइज नहीं हुआ हुआ अगर हुआ हुआ है उसको मार देते हैं क्यों वो कहते नहीं जो मर्जी है तू तो दो, दो मुसलमान है यानी कि इस तरह की ये गलीस किस्म की हरकतें करते हैं और इन तमाम का जो लीडर है ये याद रखिएगा वो है मोदी मोदी सरकार जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है बेसिकली ये एक टेररिस्ट लीडर है गुजरात के अंदर इसको बुचर ऑफ गुजरात भी कहते हैं अगर ये कहता है कि मैंने अपने आप को तब्दील कर लिया या कुछ भी है तो ओपनली मीडिया पे आके पहले माफी मांगे जिनके जिन इसने कतल की अगर वो माफ कर देते हैं तो फिर तो बात अलग है लेकिन क्या अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज इससे छोड़ दी है नहीं छोड़ी मैंने क्यों ये सब्जेक्ट आज चुना मैं तमाम इंडिया के लोगों को भी मुखातब हूं ये याद रखिएगा मेरी कहने का मतलब है कि देखिए जो मेरी जुबान है वो इंडिया वाले समझते हैं पाकिस्तान वाले समझते हैं जो जो भी श्रीलंका भी कुछ समझते हैं बांग्लादेश के भी अनकरीब मेरी याद रखिएगा अनकरीब कुछ ना कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी होगी इंडिया के अंदर या कश्मीर के अंदर जिसके अंदर सोल्जर्स की डेथ हो सकती है इनके बेसिस के ऊपर हमला हो सकता है या कुछ इस किस्म किसी किस्म का भी इस नेचर का टेररिस्ट हमला होगा उसका ब्लेम पाकिस्तान पर डाला जाएगा और फिर उसके बाद कश्मीरियों की और दूसरे मुसलमानों की कम लाई जाएगी मेरे जराए ने कन्फर्म किया है मैं अभी इसको याद रखिएगा कि मेरे जराए ने मुझे कन्फर्म किया है और ये मैं इसको सिर्फ आप इंडियन के ऊपर छोड़ता हूं कि इसको आप चेक करें क्योंकि वो मेरा जराया है ना तो जराया गलत भी हो सकता है कि ये जो बम्बे का इंसिडेंट हुआ था मुंबई का या बम्बई का जो भी इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे गए थे इसके पीछे आर का हाथ था क्योंकि आर चाहती थी कि वो अमेरिकन इंटरनेशनल जो मीडिया है उसकी जो जन टेंशन है वो अपनी तरफ डाइवर्ट कर लें और जो बीजेपी है वो इलेक्शन के अंदर जी, जीते क्योंकि बीजेपी बेसिकली आरएसएस की ऑफशूट है और इसका कोई ये पॉलिटिकल फैक्टर नहीं है कहने को पॉलिटिशियन पुले, है लेकिन ये पॉलिटिशियंस नहीं है बेसिकली ये वही फनेटिक हैं जो आरएसएस से तलक रखते हैं इन लोगों ने इंडिया के अंदर वो वो काम किए हैं कि जो आज तक भी जो इंसानियत का जुल्म की जो दास्तान है उससे भी ज़्यादा इन्होंने मासूम लोगों के जो लोग हैं उनके घरों में घुस के उनकी बच्चियों के साथ रेप किए उनके छोटे छुड़ छोटे बच्चों को मार दिया उनके यानी किसी का हस्बैंड मार दिए किसी के बेटा बेटे मार दिए और इवन यहां तक मैं पूछता हूं कि यानी अगर मुसलमान इस आर एस एस के जो हिंदू है उसके लिए नपाक है तो फिर रेप क्यों करते हो वो भी तो एक चीज़ है ना इसी तरह इनकी जात पात की जो बड़ी है ना वो बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है क्योंकि देखिए मैंने आप पर यह कहना है कि मेरा खानदान जो हम बेसिकली हमारे जो अफवाओ जदाद हैं डार फैमिली ये बेसिकली पंडित थे और पंडित वो होते हैं कि जो जो ब्राह्मण हैं जो टॉप लेवल के जो हिंदू होते हैं तो लिहाजा उस हिसाब से आप देखिए ना कि मैं अपने आप को ओपनली मैं कहता होता हूँ कि मैं सबसे पहले क्या हूँ इंसान हूँ और मेरा मेन मज़हब भी क्या है वो इंसान है तमाम लोगों को मैं आए दिन ये कहता हूँ कि अपने आप को अपडेट किया करें स्टडी किया करें कि मजहब आपको क्या कहता है अल्हम्दुलिल्लाह नो आई एम ए मुस्लिम लेकिन मैं सिर्फ मुस्लिम हूं मेरा किसी फिरके से किसी ग्रुप से कोई तलक नहीं है मैं सिर्फ मुस्लिम हूं और वो मुस्लिम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में था मैं लोगों के साथ मोहब्बत करने वाला हूँ क्योंकि मोहम्मद सल वम रहमतमीन रहमतल आलमीन हैं नहीं हैं क्योंकि आज भी उनका दिया हुआ मज़हब हमारे पास है तो जब रहमतल आलमीन है तो फिर हम हर एक से दोस्ती करते हैं प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं इसलिए मैंने इंडिया वालों से मुखातब करके ये कह रहा हूँ कि काइंडली आप देखिए कि ये आर क्या होती है इसको कंडेम किया करें इसको इसको टोटली जैसे हम मैं पाकिस्तान में कहता हूँ तो टी, टी टी पी है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसके इस्लाम से कोई तलक नहीं है लेकिन इसमें शर्म वाली कौन सी बात है जो भी अगर कोई भी एक टेररिस्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज करेंगे तो उसको हम टेररिस्ट ही कहेंगे उसको ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं जो हमारे ग्रुप के साथ है तो लिहाजा वो माफी है ये नहीं होना चाहिए तो यही चीज मैं आप तमाम से जो इंडिया के अंदर है जो पाकिस्तान के अंदर है या दूसरे मुल्कों के अंदर रह रहे हैं ये याद रखिएगा कि इनके गौर किया करें कि आरएसएस का, का काम क्या है अब देखिए किसी ने किसी मुझे इसकी रिसर्च मैंने की है और जहाँ तक मैंने जहाँ तक मैंने फाइंड आउट किया है और मेरी जहाँ तक अभी तक स्टडी हो चुकी है कि ये जो गौ मूत्रम है और गौ का दूध है ये कैसे शुरू हुआ क्योंकि मैंने क्योंकि पंडित थे हमारी फैमिली के उसके हिसाब से देखा था कि उस वक्त के नवाब राजा जो थे ना अक्सर लोग जो गरीब हिंदू होते थे उनके साथ मजाक भी कर दिया करते थे तो दूध वो खुद पीते थे तो जब कोई गरीब दूध पीने के लिए आता था अपने बच्चे के लिए तो उसको कहते थे वो भाई वो थे, वो दो गाय पेशाब करी इसको डा, डाल डाल इसको बेटे को पलाए इसका इसकी बहुत एनर्जी होती है कहने का मतलब यह है कि इन्होंने ऐसे एक काम शुरू किया आज देखिए कि ये ज़्यादातर क्या करते हैं दूध वो जो काला पत्थर है कहने को जो भगवान है जो भी है ठीक है उसके ऊपर फेंका जाता है और पेशाब किया जाता है यानी कि पूरी दुनिया के अंदर इतनी साइंस ने तरक्की की है रिसर्च जा चुकी है लेकिन कोई एक चीज एक तरह कन्विंस करने वाली बात वो करने वाली बात है ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने जानवरों को इंसानों को पैदा किया और ये सिस्टम है एक प्रोसेस है कि पानी पिया उसने जाना बॉडी पूरी को उसने साफ करना है उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है या उसके अंदर जो डेड सेल्स हैं या जो भी है उसको लेके उसने किडनीज के थ्रू बाहर आना है तो ये कैसे मुमकिन है कि वो पाक हो या साफ हो इवन दूध जो होता है कहते हैं कच्चा दूध भी नहीं पीना चाहिए क्यों उसके अंदर भी बैक्टीरिया हो सकता है तो इसीलिए दूध को भी बॉयल करके पिया जाता है अगर उसके अंदर तो हम तो इंसान हैं अब देखिए कहते ना दूध माँ पलाये अपना दूध हम इंसान हैं तो मैं मुझे अपनी माँ का दूध पीना चाहिए तो तभी तो इंसान बनूंगा इसी तरह शे, जानवर हैं जानवर अपना उस दूध पिए अगर मैं भैंस का दूध पी पी के बड़ा होऊंगा माँ का दूध पिए ही नहीं तो मैं तो मेरा दिमाग भी भैंस वाला ही होगा ना तो इसी तरह इंसानों का भी है तो अगर गौ जो है उसका आप पेशाब पी लें तो फिर इंसानों का पी लो उसके अंदर भी हो सकता है आपको वही फैक्टर मिले तो इन चीजों से छोड़िए लोगों को मत इस गलाजत की तरफ लगाइए जो एक हकीकत है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि गाय एक जानवर है और उसका गोश्त भी हलाल है जैसे दूसरे जानवर हैं तो इसी तरह वो भी जानवर है तो इस तरह के मत इंडिया के लोगों को बेवकूफ़ बनाएं पागल बनाएं आपका ठीक है जो आपका मज़हब है उसको कायम कायम रखें जैसे भी है लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा कि आपका मजहब क्या बिलीव किया लेकिन मैं इस चीज़ पे आ रहा हूं कि ये जो टेररिज्म है ये जो हथियार उठाना गले काटना जुल्म करना कोई भी है किसी का भी ग्रुप है वो चाहे मुसलमानों से है, ईसाइयों से है, यूदियों से है, हिंदुओं से तमाम को मैं कंडम करता हूँ लेकिन आर एस एस को स्पेशली इसलिए कहे कि ये इस वक्त दुनिया की टॉप मोस्ट टैररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इनके जो लोग हैं वो दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हैं ना तो वो हमेशा फेनेटिकज़म की बात करेंगे हिंदुअ की बात करेंगे और वो हमेशा यही चाहेंगे कि हम वी आर द स्पीरियर मैं उनको सिर्फ ये इतना बता दे, देना चाहता हूं कि जो पंडित हैं जो पंडित हैं ब्राह्मण वो मुसलमान हो गए हैं बस करो ठीक है मैं ये नहीं कहता कि आप मुसलमान हो जो मुसलमान होने का मतलब ये कि ये काम छोड़ो रहमत पे, वाले पे आओ काइंडनेस पे आओ जो एक मॉडर्न मजहब है आपका वो मोहम्मद वसलम ने दिया मॉडर्न दिया मजहब हमें और मॉडर्न मॉडर्न मजहब में क्या है रहमत है काइंडनेस है लव है एफिलियशन है ये है असल मजहब इसमें हेटर नहीं है हेटर तो है ही नहीं है लेकिन जो भी मुसलमान आके हेटर की बात करते हैं उसको ये कर दो वो मुसलमान नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्हुहम ने कभी हेटर नहीं इस्तेमाल ही नहीं किया इसलिए तो उनको अल्लाह ने कहा रहमतमीन है अल्लाह के बाद अगर किसी का नंबर नम्ब, है तो उन्हीं का है तो लिहाजा ये था मेरा आज का जो वीलॉग था आर एस तो आर एस एस नो डाउट इट इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और क्रिमिनल uh, है और उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो आर एस एस के अंदर है कि छोड़िए इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को आइए इंसान बनिए और इंसानों से प्यार कीजिए और जिस जो भी किसी का मज़हब है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए अल्लाह ताला हम सब पे फजल करे अल्लाह ताला हम सब पे करम करे और मैं इवन हिंदुओं को कहूँ कि अल्लाह ताला और भगवान जो भी है वो आपका भगवान आपके ऊपर भी करम करे और हमेशा सोचों में इंसानियत आए और यही हमारे लेसन मिलना चाहिए और लेसन लेना चाहिए इसके बाद जासम मांगूंगा पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान फाइन्दबा